वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम क्लास टेंथ के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस वीडियोस में हम उनको डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल देंगे, और उसके अलावा चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट देखेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास टेंथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके ऊपर जाइए और आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स वहां पे मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स की टर्म किसने दी और हार्मोन्स के करेक्टर्स क्या हैं, फिर उसके बाद हम डिफरेंट हार्मोन्स के फंक्शन को भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स, टर्म हार्मोन विलियम बेलिस ने दी है और स्टार्लिंग ने, इन दो साइंटिस्ट ने ये टर्म हार्मोन दी है। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं विच आर रिलीज्ड बाई ग्लैंड्स। इनको कौन रिलीज करते हैं? ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। ग्लैंड्स तो डिफरेंट तरह के हैं, प्रीवियस वीडियोस में हम इनको स्टडी कर चुके हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकते हैं, मिक्सोक्राइन हो सकते हैं, इस तरह से पैराक्राइन भी हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। हार्मोन्स के क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। दूसरी बात, हार्मोन्स ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं। और तीसरी बात, हार्मोन्स लो क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, और हार्मोन्स जो होते हैं इनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। जैसे नर्व सिस्टम जो है उसमें न्यूरॉन का इफेक्ट बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन हार्मोनल कंट्रोल जो है इसमें लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, इसमें टाइम लगता है। उसके अलावा हार्मोन्स एक जगह से रिलीज होते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट किसी दूसरी जगह होता है, उसको हम टारगेट साइट कहते हैं।